सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। पिछले कालखंड में हमने यह जाना था कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आयोजित करने का आदर्श तरीका क्या होता है, किस तरह से प्रधान पाठक सदस्यों को लिखित सूचना भेज सकते हैं, कोरम कितना पूरा करना होता है, इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त की थी। इस कालखंड में हम जब बैठक आयोजित होगी तो उस बैठक की जो कार्रवाई है वो किस तरह से प्रारंभ होगी, ठीक है, साथ ही जो प्रस्ताव पंजी या जो बैठक पंजी होती है उसमें कार्रवाई का विवरण किस प्रकार लिख सकते हैं, इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, मुझे कुछ शिक्षक साथियों ने कमेंट के माध्यम से पूछा है कि बैठक की कार्रवाई किस प्रकार की जाती है, इस संदर्भ में जानकारी प्रदान करें। और मैंने अपने वरिष्ठ शिक्षक साथियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के पश्चात इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आप तक प्रेषित कर रहा हूं। साथियों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड पर जो प्रस्ताव पंजी के प्रमुख कालम है, खंड है, उनको खींच कर रखा है और जानकारी भी अंकित की है। उदाहरण स्वरूप कुछ एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं को भी लिखा है और उस पर कार्रवाई का विवरण भी लिख कर रखा है और यहीं से हम चर्चा करते हैं। साथियों, वैसे तो हम शिक्षक साथियों को ज्ञात है कि हम किस तरह से कार्रवाई लिखते हैं, किंतु हमारे कुछ नए शिक्षक साथी हैं जो अभी नवीन पदस्थापना हुई है, तो उनके लिए यह जानकारी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और आशा है कि यह जानकारी आपको काफी उपयोगी भी लगेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, शाला प्रबंधन समिति प्रस्ताव पंजी माह और यहां पर सत्र, सत्र ऊपर इस प्रकार लिखा हुआ हो सकता है, यदि नहीं लिखा तो आप लिख भी सकते हैं, या जो बैठक पंजी है उसमें जिस प्रकार के बिंदु बने हैं और ऊपर जो भी जानकारी दी गई है उस जानकारी को आप पूरी तरह फुलफिल कर लें यानी भर लें। तो यहां पर हम माह भर लेंगे, किस माह में बैठक हो रही है और सत्र। इसके पश्चात साथियों, ऊपर ही ये जो जानकारी है इसको भरना अनिवार्य होता है, जैसे कि बैठक का स्थान, यहां पर बैठक का स्थान लिखेंगे। वैसे तो हम बैठक जो है प्राय विद्यालय में ही आयोजित करते हैं, विद्यालय के कार्यालय में, ठीक है, या यदि हम किसी अन्य जगह बैठक आयोजित कर रहे हैं मान लो, तो उस स्थान का नाम यहां पर हम अंकित कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहां बैठक की तिथि यानी कौन सी तारीख को हम बैठक ले रहे हैं वह तारीख होगी, बैठक का समय, बैठक कितने बजे से है, यदि 11 बजे से बैठक है या 1:30 बजे से है, 2:30 बजे से है, तो वो जो समय है बैठक का उस समय को यहां पर अंकित करना आवश्यक है। आगे उपस्थित सदस्यों की संख्या यहां पर अंकित करेंगे और ये साथियों हम लिखेंगे बाद में। कब लिखेंगे यहां पर? जब हमारी बैठक आयोजित हो जाएगी और हम देखेंगे कितने सदस्य उपस्थित हुए हैं, उन उपस्थित सदस्यों की संख्या को यहाँ हम लिख देंगे। आगे फिर जन शिक्षा केंद्र का नाम, जनपद शिक्षा जिला शिक्षा केंद्र का नाम यहाँ अंकित कर सकते हैं। तो ये ऊपर पूरी जानकारी अंकित करने के पश्चात यहाँ जो कालम दिए गए हैं उन कालमों में हम किस प्रकार से जानकारी को भरेंगे उस संदर्भ में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि जब हम बैठक आयोजित करते हैं और जो एसएमसी के सदस्य उपस्थित होते हैं, यदि एसएमसी के सदस्य 1/3 उपस्थित हैं, अर्थात एसएमसी में जितने भी सदस्य होते हैं उनका 1/3 सदस्य उपस्थित हैं, तभी बैठक प्रारंभ की जानी चाहिए, अन्यथा बैठक आधे घंटे के लिए टाल दी जा सकती है, ठीक है। विगत कालखंड में भी इस संबंध में मैंने आपको जानकारी दी थी कि यदि सदस्य 1/3 उपस्थित हो जाते हैं तो फिर हम बैठक प्रारंभ कर सकते हैं और नहीं तो हम आधे घंटे के लिए बैठक टाल सकते हैं, और चाहे तो आधे घंटे की अवधि में प्रधान पाठक अनुपस्थित सदस्यों को बुलवा सकता है। इस तरह से जब कोरम पूरा हो जाए उसके पश्चात बैठक प्रारंभ करनी चाहिए। और जैसा कि कल के कालखंड में मैंने आपको बताया था कि जब बैठक प्रारंभ होगी तो प्रधान पाठक जो एजेंडा के प्रमुख बिंदु है उन बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड पर या जो भी ग्रीन बोर्ड है उस पर लिखेगा और एक एक बिंदु पर चर्चा कराना प्रारंभ करेगा, ठीक है। तो साथियों, जब चर्चा प्रारंभ होगी और जब चर्चा करते जाएंगे तो समिति को एक सदस्य जो है, ये जो रजिस्टर है मान लो या पंजी है, उसमें कार्रवाई जो है उसको लिखना प्रारंभ करेगा। जो चर्चा होगी उस चर्चा को अंकित करेगा। मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से हमको अंकित करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर जो रजिस्टर के प्रमुख खंड है, कालम है, उन पर हम चर्चा कर रहे थे संक्षेप में। सबसे पहला खंड है क्रमांक। इसके पश्चात उपस्थित एसएमसी पदाधिकारियों एवं शासकीय प्रतिनिधियों के नाम, यहाँ पर एसएमसी के जो सदस्य हैं और शासकीय कर्मचारी अर्थात प्रधान पाठक और शिक्षकों के नाम यहाँ आ जाएंगे। इसके पश्चात यहाँ आता है विषय एवं प्रस्तुत संकल्प। साथ ही यहाँ पर विषय या प्रस्तुत संकल्प से आशय यह है कि
जो एजेंडा है, जिन बिंदु पर हमें बात करनी है, चर्चा करनी है और जिसके लिए हमको प्रस्ताव पास कराना है, सर्वसम्मति बनानी है, उन बिंदुओं को हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके पश्चात अगला जो खंड होता है थोड़ा सा बड़ा सा होता है। इस खंड में बैठक की जो कार्यवाही होती है अर्थात जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर लिखा जाता है। आगे देखेंगे तो प्रस्ताव या जो संकल्प है वो जो पास हुए हैं उनका उनके बारे में यहाँ लिखा जाता है। देखिएगा जो हमने संकल्प या प्रस्ताव यहाँ पर लिख लिया और उन पर चर्चा कराई, अब उनमें से कितने पर सर्वसम्मति बनी, सहमति बनी, ठीक है, और उनको पास कर दिया गया। उन पास हुए प्रस्तावों को हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके पश्चात उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर यहाँ पर करवाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा साथियों, मैंने ये आपको बता दिया और बैठक की शुरुआत कैसे होगी इसके बारे में बता दिया कि भी प्रधान पाठक ब्लैक बोर्ड पर एजेंडा के बिंदु लिखेगा, है ना, प्रस्तावों को लिखेगा और उन पर चर्चा कराना प्रारंभ करेगा। जब एक एक बिंदु पर चर्चा होगी, सभी सदस्य अपनी सहमति बताएंगे, अपने विचार बताएंगे उस संबंध में, ठीक है, तो जो भी कार्रवाई होगी उसको आगे लिखते चलेंगे। अब देखिए उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां क्रमांक में जितने भी सदस्य उपस्थित हो रहे हैं उनके नाम आ जाएंगे। सबसे ऊपर अध्यक्ष का नाम आना चाहिए यदि अध्यक्ष उपस्थित है, यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष का नाम, यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित है तो अध्यक्ष का नाम उपाध्यक्ष का नाम पे सदस्यों के नाम, है ना। नीचे जो सचिव है शाला के, ठीक है, यानी एसएमसी के जो सचिव है उनका नाम, और उपस्थित यदि शिक्षक साथी भी है तो उनके नाम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। कुलमाला के यहाँ पर जितने भी सदस्य उपस्थित है उनके नाम यहाँ पर हम लिखेंगे और विशेष तौर से एसएमसी में जितने सदस्य होते हैं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर देखिएगा जो विषय या प्रस्तुत संकल्प है यानी कुलमाला के एजेंडा के बिंदु उनको यहाँ लिखा जाता है और उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर तीन बिंदुओं को लिख के रखा है। पहला है विद्यालय की पुताई व पेंटिंग, ठीक है, दूसरा है अनियमित विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और तीसरा है बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु जन सहयोग। साथियों जैसे मैंने ये तीन बिंदु उदाहरण स्वरूप लिख के रखे हैं, प्रधान पाठक किसी तरह जो बिंदु लिखेगा उनको बैठक के समय ब्लैक बोर्ड पर इनको अंकित कर देगा और फिर एक एक पर चर्चा कराना प्रारंभ करेगा। जैसे कि अब विद्यालय की पुताई और पेंटिंग पर चर्चा कराना प्रारंभ करेंगे, सचिव जो है वो कहेगा कि भाई विद्यालय की पुताई करवानी है, खिड़की दरवाजों की रंगाई करानी, पेंटिंग करानी है, कक्षों की सजावट करनी है, इस संबंध में आपकी राय चाहिए, आपका मत चाहिए। तो साथियों जो उपस्थित सदस्य है वो चर्चा करेंगे कि हाँ यह भाई आवश्यक है, प्रतिवर्ष विद्यालय की पुताई होती है, दरवाजों खिड़कियों की पेंटिंग होती है, कक्षों की सजावट होती है, तो यह आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक है, इस पे निश्चित ही सभी सदस्य पूर्णतः सहमत होते हैं। तो साथियों इस तरह से जो चर्चा होगी उस चर्चा का विवरण हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिएगा यहाँ पर चर्चा का विवरण लिखा गया है कि प्रतिवर्षानुसार विद्यालय भवन की पोताई, दरवाजे खिड़कियों की पेंटिंग व कक्षों की सजावट के संबंध में चर्चा हुई, ठीक है। आगे लिखा है कि कंपोजिट ग्रांट की राशि से डिस्टेम्पर पेंट आदि क्रय कर दो मजदूरों से पोताई व रंगाई कार्य कराने, है ना, की सर्वसम्मति बनी और आगे लिख दिया है कि आगामी 15 दिवस के भीतर यह कार्य पूर्ण करा लिया जावे। तो इस तरह से जो भी सहमति बनेगी, जो भी कार्रवाई होगी उसका विवरण हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात अब ये प्रस्ताव चूंकि पास हो गया तो यहाँ पर हम प्रस्ताव संकल्प जो पास हुए में लिख सकते हैं कि भाई विद्यालय भवन की रंगाई पुताई हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास, इस प्रकार का विवरण हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला बिंदु देखिएगा, उदाहरण रूप में लिखा है कि अनियमित विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, यह एक बिंदु है और इस पर प्रधान पाठक उन विद्यार्थियों के नाम बताएगा जो विद्यालय में अनियमित रूप से उपस्थित होते हैं और उनके पालकों के बारे में जानकारी दी जाएगी कि ये अमुक पालक के बच्चे ये अनियमित रूप से ही विद्यालय में उपस्थित होते हैं और उस पर सभी सदस्य चर्चा करेंगे और चर्चा करने के पश्चात यदि वो सदस्य उपस्थित हैं बैठक में तो उनको कहा जाएगा कि भाई आप अपने विद्यार्थी अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजिए और जो सदस्य यानी जो पालक उपस्थित नहीं है तो उनके लिए भाई घर पर जाकर सूचना देने की बात कही जाएगी। इस तरह से कई प्रकार की चर्चाएं हो सकती है और जो भी चर्चा होगी उस चर्चा का विवरण हम यहाँ पर लिखेंगे। उदाहरण रूप में यहाँ लिखा है जो विद्यार्थी अनियमित रूप से विद्यालय आ रहे हैं उन बच्चों के अभिभावक अमुक अमुक हैं, यानी यहां देखो खालिस्तान छोड़ दिया, मतलब उन अभिभावकों के नाम यहां पर आएंगे,
पालकों को समझाई दी जाती है कि नियमित रूप से विद्यालय भेजे, जो पालक उपस्थित नहीं है उन्हें मोहल्ले के पालक सूचित करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने जो कार्रवाई है वो लिखकर रखी है, और इस तरह कई तरह से भी कार्रवाई लिखी जा सकती है। जो भी चर्चा होती है, जो भी कहा जाता है, उसका विवरण हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और निश्चित ही इस पर भी प्रस्ताव पास हो जाता है तो हम इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रस्ताव या संकल्प जो पास हुए में कि अनियमित विद्यार्थियों के पालकों को सूचित करने व बच्चों की नियमित उपस्थिति बनाने का प्रस्ताव पास, ठीक है। इस प्रकार हमने विवरण दे दिया। अब इस तरह तीसरे बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। तीसरा बिंदु आप देखेंगे यहाँ पर, बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु जन सहयोग, ये तीसरा बिंदु है। और साथियों, जब भी विद्यालय से संबंधित जो भी निर्माण कार्य होते हैं उस संबंध में निश्चित ही हम एसएमसी की बैठक आयोजित करते हैं और उसमें सर्वसम्मति लेते हैं, ठीक है। और यदि आपने एक उदाहरण है मात्र कि भाई विद्यालय मान लो बाउंड्री वॉल नहीं है और बाउंड्री वॉल बनवाना है, तो उसका हम प्रस्ताव ले सकते हैं। अब इस पर जो भी चर्चा होगी मान लो, उस चर्चा का विवरण हम यहाँ पर लिखेंगे। उदाहरण के रूप में देख लीजिएगा मैंने क्या लिखा है इस संदर्भ में। आप यहाँ पर देखेंगे कि बाउंड्री वॉल काफी लंबी है, अतः जन सहयोग से इतनी राशि जुटा पाना संभव नहीं है, अतः इस हेतु शासन को बाउंड्री वॉल हेतु प्रस्ताव भेजा जावे। फिलहाल जन सहयोग एकत्र न किया जाने पर सहमति बनी। साथियों, निश्चित ही इस प्रकार से जो प्रस्ताव यदि होते हैं मान लो, और इसमें काफी बड़ी राशि की आवश्यकता होती है और जन सहयोग से एकत्र करना संभव नहीं होता, तो उसके बारे में यदि इस बिंदु पर सहमति हमारी नहीं बन रही, तो सहमति जो भी मतलब कार्रवाई हुई है उसका विवरण हम यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई इतनी लंबी बाउंड्री वॉल के लिए राशि एकत्रित किया जाना संभव नहीं है, इस हेतु प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए और अगली मीटिंग में इसका प्रस्ताव फिर बना लिया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो हमने यहाँ पर प्रस्ताव संकल्प पास हुए उसका विवरण नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस तरह साथियों, मैंने आपको उदाहरण रूप बताया कि हम पूरी कार्रवाई का जो विवरण है इस प्रकार लिख सकते हैं, और जब बैठक की पूरी कार्रवाई संपन्न हो जाएगी तो अंत में जितने भी सदस्य उपस्थित थे सबके एक एक करके यहाँ पर हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे। और हस्ताक्षर लेने के पश्चात आप देखेंगे सबसे नीचे यहाँ पर जब कार्रवाई समाप्त हो जाएगी तो यहाँ पर सचिव यानी प्रधान पाठक अपने सील लगाकर अपने हस्ताक्षर करेंगे, और यहाँ बाजू में अध्यक्ष की सील और उनके हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर भी सभी सदस्य हस्ताक्षर कर देंगे, सचिव और अध्यक्ष भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे, ठीक है। इस तरह से उस दिवस की जो कार्रवाई है वो समाप्त मानी जाएगी। साथियों, इस संबंध में और कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी प्रस्ताव रजिस्टर होगा उस प्रस्ताव रजिस्टर में पृष्ठांकन कराना अति आवश्यक होता है। पृष्ठांकन मतलब पृष्ठ संख्या डालना आवश्यक होता है, यहाँ पर पृष्ठ संख्या आप अवश्य डालें, तो यहाँ पर पृष्ठ संख्या होनी चाहिए, ठीक है, प्रत्येक पन्ने में। उसकी वजह यह है क्योंकि जो भी बैठक होती है, कार्रवाई होती है, उसका विवरण होता है और जो रजिस्टर होता है उसके प्रारंभ में पृष्ठों का प्रमाणीकरण भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको ये कार्रवाई के बारे में बताने का प्रयास किया है, और साथियों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी उपयोगी भी लगी होगी। यदि आपके मन में और कोई प्रश्न हो या कोई और जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे वरिष्ठ शिक्षक जैसा कि आप देख रहे हैं श्री डी एस पटेल सर को, सर का मोबाइल नंबर भी है, आप सर से व्हाट्सएप चैट के माध्यम से कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी तरह की जानकारियां जो है वर्तमान में आपके लिए लेकर आ रहा हूं और आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी उपयोगी भी लगती होगी। आज के इस कालखंड के लिए बस इतना ही, अगले कालखंड में पुनः मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।